आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण ने तैयार की मेंटल हेल्थ पॉलिसी, कैंप में मौजूद रहेंगे विशेषज्ञ, यहां खुलेगा नशा मुक्ति केंद्र। उत्तराखंड में संचालित नशा मुक्ति केंद्रों की मनमानी पर लगाम लगाने को लेकर राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण ने मेंटल हेल्थ पॉलिसी तैयार की है, जिसके तहत प्रदेश में संचालित सभी नशा मुक्ति केंद्रों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। प्रदेश में अभी तक कुल 97 मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों और नशा मुक्ति केंद्रों ने राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। मसूरी हादसे के बाद RTO ने देहरादून संभाग में चलाया चेकिंग अभियान। 2 दिन में 872 वाहनों का किया चलान, 49 किए सीज। 4 मई को मसूरी में हुए सड़क हादसे के बाद RTO ने वाहनों की चेकिंग का अभियान चलाया। 2 दिन में देहरादून संभाग ने ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वाले 872 वाहनों का चलान किया गया है। 49 वाहन सीज किए गए हैं। दोपहिया वाहन में पीछे बैठने वाले सवारी के लिए भी हेलमेट पहनना सख्ती से अनिवार्य किया गया। IDPL ऋषिकेश में हाईकोर्ट की बेंच बनाने के विरोध में बार एसोसिएशन CJ ने कहा, खुद बताएं हाई कोर्ट के लिए उचित स्थान। उत्तराखंड हाई कोर्ट की एक बेंच IPDL ऋषिकेश में खोलने का बार एसोसिएशन ने विरोध किया है। बार एसोसिएशन का तर्क है कि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में हाई कोर्ट की बेंच स्थापित करना अव्यवहारिक है। जहां भी हाई कोर्ट शिफ्ट हो, एक ही जगह हो। बार एसोसिएशन की बात सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश ने उनसे कहा कि वो हाई कोर्ट के लिए ऐसा उचित स्थान बताए जहां 50 साल बाद भी विस्तार की गुंजाइश। वनाग्नि से फाइट के लिए फॉरेस्ट की स्पेशल 43 तैयार, महिला अफसर शिल्पा वर्मा संभाल रही कमान। उत्तराखंड में वैसे तो पूरा वन महकमा इन दिनों वनाग्नि पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब भीषण आग वाले क्षेत्रों में स्पेशल 43 टीम कमान संभालने जा रही है। खास बात यह है कि उपकरणों से लैस इस टीम की कमान एक महिला अफसर पर है। इस टीम के ज्यादातर सदस्य हरिद्वार वन विभाग से हैं। उधर टीम को पहली चुनौती टिहरी के नरेंद्र नगर डिवीजन और पौड़ी की मिली है। मुख्यमंत्री भले ही लौट आए हों, लेकिन अब भी उनके मंत्री गायब। वनाग्नि पर बरसे करण महरा। उत्तराखंड में धधकते जंगलों को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना चुनावी कैंपेन छोड़कर लौट आए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कड़ा एक्शन लेते हुए वन विभाग के 10 कर्मियों को निलंबित भी कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस नेता करण महरा ने निशाना साधते हुए कहा कि भले ही मुख्यमंत्री लौट आए हों, लेकिन अभी भी उनके मंत्री गायब हैं। मसूरी में वन कर्मियों ने जंगल सुलगाते हुए 8 नाबालिगों को पकड़ा, 3 बाइक भी की सीज। सुलगाई गई थी सुंदरवन की झोपड़ियों में आग, CCTV में कैद हुई घटना, अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। भाववाला के सुंदरवन में बीते दिनों कई झोपड़ियां आग लगने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में झोपड़ियों में आग सुलगाने वाले अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। CCTV कैमरे की फुटेज से घटना का पर्दाफाश हुआ। स्कूल से लौट रही 2 छात्राओं की सड़क हादसे में मौत, CM धामी ने जताया दुख। चंपावत में स्कूल से जा रही 2 छात्राएं सड़क हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि छात्राएं ट्रैक्टर ट्रॉली पर लिफ्ट लेकर जा रही थी, तभी ट्रैक्टर ट्रॉली से 2 छात्राएं गिर गई और टायर के चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। प्रेमी के पिता की डंडे से पीट पीट कर हत्या करने के मामले में 3 गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। पहाड़ों में आग बुझाने के लिए हरिद्वार से वन कर्मियों का दल रवाना, चमोली में प्रमुख वन संरक्षण ने संभाला मोर्चा। गोल्ड लोन फ्रॉड सुनार से मिली भगत कर बैंक को लगा दिया लाखों का चूना, पड़ताल में जुटी पुलिस। हल्द्वानी में गोल्ड लोन के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। वहीं बैंक प्रबंधक ने सुनार सहित 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस ने पड़ताल तेज कर। हरकी पैड़ी क्षेत्र में रेस्टोरेंट से भड़की आग, 3 दुकानों को चपेट में लिया, लाखों का सामान जलकर राख। मौसम को लेकर बड़ी खुशखबरी, उत्तराखंड में आज से 12 मई तक झमाझम बारिश के आसार।
उत्तराखंड में मौसम करवट बदल सकता है, जिससे लोगों को चिलचिलाती गर्मी और धुंध से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है। चारधाम यात्रा के लिए उमड़े श्रद्धालु, पंजीकरण के लिए लंबी कतारें, सुव्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा प्रशासन। हल्द्वानी में गहराया पेयजल संकट, गौला नदी का सहारा, मई में बारिश नहीं हुई तो और बिगड़ेंगे हालात। हल्द्वानी में जहां ट्यूबवेल लगे हैं वहां पानी की किल्लत होने लगी है। दरअसल हल्द्वानी में जलस्तर गिरने से जल संकट आया है। अगर इस महीने बारिश नहीं हुई तो अभी लोगों की प्यास बुझा रही गौला नदी के जलस्तर में भी गिरावट आएगी, फिर जल संकट भारी पड़ सकता है। हालांकि पेयजल संकट के बीच जल संस्थान अपनी पूरी तैयारी होने का दावा कर रहे हैं।